हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग मैथ्स का ट्रिगोनोमेट्री सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग का जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री देखिए स्टूडेंट्स, जो वर्ड ट्रिगो है, ट्रिगो का मतलब होता है थ्री, बोनो मीन्स साइड और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। जो सेक्शन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उस सेक्शन में हम लोग को करना क्या है, ट्रायंगल के तीनों साइड्स का मेजरमेंट। अब ये कैसे समझिए, इसका एप्लीकेशन समझिए तब इसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। जैसे कि पास में एक बिल्डिंग है और ये ग्राउंड लेवल है, आप यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, आप जो भी आप हुए क्या ऑब्जर्वर, आप क्या करते हो बिल्डिंग के टॉप मोस्ट को देखते हो, ठीक है। सो यहां पर आपको पता है जो बिल्डिंग बनाया जाता है वो ग्राउंड से कितने एंगल पे बनाया जाता है, 90 डिग्री पर। और जब यहां आप खड़े हो गए तो यहां कुछ एंगल बन रहा होगा, लेट सपोज कि यहां पर एंगल हो रहा हो सम 30 डिग्री और से जो भी हो। सो अगर हमको मेजरमेंट करना रहे कि ये जो टावर है उसकी हाइट कितनी है, लेट सपोज ए बी, ये हाइट कितनी है, अगर हमको ये पता करना रहे कि मैं जहाँ हूँ यानी ऑब्जर्वर उससे टावर की दूरी कितनी है, ये सब जो मेजरमेंट हम लोग करेंगे वो यहाँ पर करेंगे। इसको करने के लिए हम लोग को कुछ ट्रिगोनोमेट्री टूल्स का जरूरत पड़ेगा, उन टूल्स पे हम लोग ध्यान देते हैं। फर्स्ट देखिए, आप लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। इसी ट्रायंगल में 90 डिग्री के ठीक सामने वाले साइड को कहते हैं हाइपोटेन्यूज, और बाकी जो दो साइड्स होते हैं एक होता है परपेंडिकुलर और एक बेस। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, लेट सपोज ए बी सी, देन यू नो कि ए सी That is the hypotenuse का square will be equal to क्या होता है, perpendicular का square plus base का square, perpendicular and base। अब देखो यह हम लोग को सीखना है कि 90 डिग्री के सामने तो आप श्योर हो कि hypotenuse होता है, बट अब हम लोग को ये भी सीखना है कि perpendicular कौन होता है। जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो दो एंगल्स आपको 90 डिग्री को छोड़ करके बाकी जो दो एंगल्स है इन दोनों एंगल्स में किसी एक को नोटिफाई किया जाएगा, उसको क्वेश्चन जब हम आपको समझाएंगे तो वो क्लियर होगा। तो जैसे मान लेते हैं मैंने एंगल सी को लिया और एंगल सी को नोटिफाई करके क्वेश्चन में लिखा रहेगा, तो आपको ये समझना है कि एंगल सी के सामने वाला जो भी एंगल नोटिफाई किया रहे उसके ठीक सामने वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। मीन्स 90 के सामने जिस तरह से फिक्स होता है कि हाइपोटेन्यूज होगा, क्वेश्चन में वैसे ही बी का तो बात क्लियर है, ए और सी में किसी एंगल को नोटिफाई किया जाएगा, जिस एंगल को भी नोटिफाई किया जाएगा उस एंगल के ठीक सामने वाला ही होगा आपका परपेंडिकुलर, ओके। और बचा हुआ एक साइड कौन है आपका, बी सी, ये आपका क्या हो जाएगा, बेस। सो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, अगर मैंने इस एंगल को नोटिफाई किया है तो ये परपेंडिकुलर होगा, एंड परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए बी, सो ए बी का स्क्वायर प्लस बेस, बेस क्या हो जाएगा हम लोग का, बी सी, ठीक है। यानी हम लोगों ने पहला टूल क्या पढ़ा कि जिस तरह से पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, ठीक है। एक पॉइंट बस यहाँ पर ऐड हुआ कि जिस एंगल को भी नोटिफाई किया जाएगा उसके सामने वाले को हमको परपेंडिकुलर कंसीडर करना है। दूसरा टू, जब हम लोग साइड्स का मेजरमेंट करेंगे तो देखिए यहां कितने साइड्स हैं, आप कहोगे तीन, कौन कौन, ए बी सी, लेट सपोज दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इसको हम अगर क्वेश्चन में नोटिफाई किया रहेगा एंगल सी को, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। अगर हम आपसे यहाँ पर पूछते हैं कि किसी तीन साइड में, तीन साइड से हम किसी दो साइड को अगर आपको बताना है
और उसका रेशियो बताना है तो आप क्या लोगे? जैसे परपेंडिकुलर लिया, हाइपोटेन्यूज लिया, ये एक रेशियो ले लिया। परपेंडिकुलर लिया बेस, एक रेशियो ऐसे है। मतलब हमको किसी तीन में साइड में से किसी दो साइड्स को लेकर के उसका रेशियो लेना है। अब बोलिएगा क्यों? ये टूल्स है, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम लोग को क्लियर हो जाएगा ये। सो आप देखो, किसी तीन साइड में किसी दो को ले लेना है हमको। तो देखो तो क्या लोगे आप? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब बोलोगे हम तो कंफ्यूज हो गए सर, सही है? ओके, तो देखो क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको इतना वॉरी नहीं करना। आप बस एक वर्ड, आप मेरे साथ एक स्टेटमेंट बोलो, पी फॉर पंडित, बी फॉर भोला, पी फॉर प्रसाद, एच फॉर हरे, हरे बी फॉर बम। पंडित भोला प्रसाद हरे हरे बम, ठीक है? देखो पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, ओके तीन हुआ। अब देखो आप पी बाई एच बोले थे तो एच बाई पी भी तो बोल सकते हो, फोर्थ, एच बाई बी फिफ्थ, बी बाई पी सिक्स, यानी टोटल सिक्स रेशियो बनता है अगर तीन साइड में से किसी दो साइड को हम लेकर के बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग अभी तुरंत कंटिन्यू करेंगे लेक्चर टू। थैंक यू।